से लगा लूं हाथ छूके मैं पैर तेरे गल सुन ले Oh no, माँ ने अगर मुझे केक बनाते हुए देख लिया तो वो अपसेट हो जाएंगी। अरे वाह रूही, तुम मेरे बर्थडे के लिए कैरेट केक बेक कर रही हो? हाँ? जी। वैसे अच्छा है बेटा, बाजार से खरीदने की बजाय तुम अपने हाथों से मेरे लिए बेक कर रही हो केक। और एक बात और, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जन्मदिन खास लोगों के साथ, अपनी करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मनाऊं। तो इसीलिए प्लीज ध्यान देना कि कोई अजनबी ऐसे पार्टी में अंदर ना घुसाए। जी जी, आप सारा खाना 6 बजे तक ले आएगा। और प्लीज आप अपने शेफ को बोल दीजिएगा कि कहीं पे भी किसी भी डिश में अखरोट ना डालें। हमारी बर्थडे गर्ल है जो जिठानी सा, उनको ना अखरोट से एलर्जी है, तो प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। रेसिपी का अगला स्टेप, कटे हुए अखरोट को बैटर में डाल के मिक्स कर दो। सुबह विश करता तो आप मेरी तरफ देखती भी नहीं, कम से कम नींद में आप मुझसे मुंह तो नहीं फेरेंगी। मेरे लिए यही काफी है। भगवान करे आपको मेरी भी सारी खुशियां मिल जाए। नमस्कार मनीष जी। विद्या जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे विद्या जी। थैंक यू। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, आप तीनों यहाँ आए मेरे बर्थडे के दिन, वही मेरे लिए एक बड़ा गिफ्ट है। रोहित बेटा, अरमान और अबीरा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नानू, वो अब जिन लोगों को आना था सब आ गए हैं। अब चलिए ना, केक कटिंग करते हैं हम। अरमान, थोड़ा सा केक जाकर माँ को खिला तो दो। मैंने ना बहुत मेहनत से उनके लिए कैरेट वॉलनट केक बनाया है, आई होप उन्हें पसंद आ जाए। तुमने कौन सा केक बनाया है? कैरेट वॉलनट केक। क्यों, क्या हुआ? वॉलनट से एलर्जी है। मेरा बेटा अपनी माँ का मुंह मीठा कर रहा है, तुम होते कौन हो हमारे बीच में आने वाले? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।